हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कैच 25 साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर पवन भारद्वाज, वन सिंगल वेलकम। दिस इज एमएससीटी 2021 सीरीज। इसमें आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस के 3 पार्ट कवर कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपने तीनों पार्ट देखे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। अगर नहीं देखे तो जाइए देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अच्छा स्टूडेंट, मैं बात बताना चाहता हूँ फॉरवर्ड अबाउट सीईटी। अब सीईटी में हमने देखा कि इस साल कैप 1 कैप 2 राउंड खत्म हो चुके हैं, सब एडमिशन लॉकडाउन हो चुके हैं। नाउ स्टूडेंट, अगर हम कैच 25 एकेडमी का रिजल्ट देखेंगे तो हमारा रिजल्ट में आप ये देखेंगे कि मुंबई के जो भी बेहतरीन कॉलेजेस हैं, जैसे VGTI, SPC, DJ, संगवी, थरुमल, फादर एग्नल, सुमैया, हर जगह आपको कैच 25 के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। ओके, चलिए आइए स्टूडेंट लोग फर्स्ट सम करते क्या लिखा है देखते। क्वेश्चन नंबर 13 ऑलरेडी मेरे 3 जो हमने वीडियोस बनाए हैं स्ट्रेट लाइन के, उसमें आपको सब मिला 12 सम्स मिलेंगे। एकदम स्पेसिफिक सम है और एग्जैक्टली और सीईटी पैटर्न है, तो आप वो सम गो थ्रू कीजिए, तो आपको ये आगे वाले वीडियोस आपको एबल टू एंजॉय दोस। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्या दिया हुआ है? द लेंथ ऑफ ए ऑल्टीट्यूड थ्रू ए ऑफ द ट्रायंगल एबीसी वेयर ए इज -3.0 एंड बी इज 4.-1 एंड सी इज 5.2। अब स्टूडेंट आइए हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए मैंने ये, चलिए ट्रायंगल बता दें, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी। अब ए का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है? -3.0। बी का कोऑर्डिनेट 4.-1 और सी का कोऑर्डिनेट 5.2। अब स्टूडेंट हम लोग एक ऑल्टीट्यूड बनाने का, ऑल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर, ये अपना परपेंडिकुलर है स्टूडेंट। चलिए एडी परपेंडिकुलर। अब बोले इसका लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको बीसी का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए चलिए बीसी का पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ बीसी क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ बी सी y2-y1 अपॉन 2-1 अपॉन 5-4। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2+1 3, 5-4 1, तो आंसर इज 3। अब इक्वेशन ऑफ बी सी, इसका इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। हो जाएगा, वी कैन टेक एनी पॉइंट बी और सी, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। चलिए हम सी ले लेते हैं। तो y-2 is equal to thrice x-5। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट y-2 is equal to 3x-15। तो यह हो जाएगा 3x-y, right? 3x-5 -15 +2 -13 is equal to 0। नाउ स्टूडेंट अब हमको लेंथ AD फाइंड कर देगा, तो उसके लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? वो आपको मालूम है, लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था फॉर्मूला, मॉडुलस ऑफ AX1 BY1 C अपॉन अंडर रूट ऑफ A² B²। तो कहां से परपेंडिकुलर बना रहे हैं? A से कहां तक? BC तक। तो आपको BC का इक्वेशन मालूम होना चाहिए जो आपने फाइंड किया इक्वेशन, राइट? अब हम लोग यूज करेंगे -3.0 BC के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? देखिए 3 ब्रैकेट में -3 3 × -3 देन -0 -13 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का x का कोएफिशिएंट 3, उसका स्क्वायर 9,
माइनस वन का वाई का कोएफिशिएंट माइनस वन, उसका स्क्वायर प्लस वन, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, चलिए देखिए यहाँ पर, यू विल बी गेटिंग मॉडुलस 3 × -3 -9 -13 अपॉन रूट 10। अब बताइए कितना हो गया, -22 अपॉन रूट 10, लेकिन मॉडुलस है तो डायरेक्टली वी कैन राइट 22 अपॉन रूट 10, तो ऑप्शन यस, ऑप्शन देख रहे हैं आपको, यस, तो डी इज द राइट आंसर यू कैन से, ठीक है। चलो गो फॉर नेक्स्ट सम। Now distance of the line 2x minus 3y is equal to 4 from the point 1, 1 measured parallel to the line x plus y is equal to 1. ये सब थोड़ा different है student, आइए देखते हैं। चलिए suppose student एक line है, ये line, इसका equation दे दिया है 2x -3y is equal to 4. A point is suppose a point. Obviously not lies on the line. Which one? 2x minus 3y. Because it's satisfying. Nahi karta hai. 1 comma 1. Aap check kar sakte. Suppose a point A hai. Jo hai 1 comma 1. Now student, ab point A se line tak ka distance find karna hai. Lekin student condition di hai. Kya condition di hai? Aayi dekhi. Condition ye hai. कि व्हाइल मेजरिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू द लाइन वी आर मेजरिंग सच अ वे दैट इट इज मेजर्ड, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इट इज मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, x plus y is equal to 1, राइट, तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोला है, फाइंड मत करना, तो मतलब अब x plus y is equal to 1 मतलब एक x plus y मतलब कुछ ऐसा होएगा, देखिए ऐसा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करने का अपने को, मतलब अभी एक लाइन ऐसी रही होगी, दिस इज दिस लाइन विच लाइन, देखो समझाता हूँ, ये लाइन का इक्वेशन है x plus y is equal to 1, तो व्हाइल मेजरिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम a, सपोज a पॉइंट को नाम दे दिया बी, तो जब a से लेके b तक का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम पॉइंट a 1, 1 टू द लाइन, आई एम मेजरिंग सच अ वे दैट कि अपना जो मेजरमेंट है वो इस गिवन लाइन को पैरेलल है, तो आप बताओ ए बी बताओ क्या आएगा, तो सिंपल लॉजिक स्टूडेंट इसके अंदर, अब ए बी को क्योंकि वो पैरेलल है तो क्या करना पड़ेगा हमको, ऑब्वियसली ए बी का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, अब बोथ लाइंस आर पैरेलल तो स्लोप सेम होता है, इसका स्लोप कितना स्टूडेंट, आइए निकाल लेते हैं, माइनस ए अपॉन बी तो -1/1, अब जानते हो माइनस, तो इसका स्लोप भी कितना हो जाएगा -1, किसका ए बी का, यहाँ पे देखो मैंने टिक मार्क किया हुआ है, आपको ऑलरेडी एक पॉइंट मालूम है 1, 1, तो ए बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, y -1 इज इक्वल टू -1 x -1, तो ये क्या हो जाएगा y -1 इज इक्वल टू -x+1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये x plus y is equal to 2, बराबर है, ठीक है, आप बोल सकते हो इसको इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, अब इस साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे क्यों, जब आप AB का, अब देखो जब आप AB का इक्वेशन मतलब ब्लैक वाला लाइन AB और रेड वाला लाइन सॉल्व करेंगे तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट आ ही जाएगा अपने आप B, तो फाइंड करते देखो उसको हम लोग सॉल्विंग 1 एंड 2 करते हैं, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कर ले 2x minus 3y is equal to 4, और ये क्या है x plus y is equal to 2, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x plus 3y 2 × 3 = 6, दोनों को ऐड कर लो, यहाँ पर देख रहा है कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5x 4 + 6 = 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, x का वैल्यू 2 आ गया, अगर x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे देखो इसमें, तो x का 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y 0 आ जाएगा, सिंपल 0 आ गया, तो मतलब b का कोऑर्डिनेट हो गया 2, 0, अब स्टूडेंट आपको a मालूम है राइट, वेट अ मिनट, स्टूडेंट आपको a मालूम है, यस, आपको b मालूम है, यस, अब मुझे क्या फाइंड करने का है, डिस्टेंस ए बी, मतलब लेंथ ए बी या डिस्टेंस जैसा भी आप बोलो,
by which formula? Distance formula. तो a क्या है 1, आप देख सकते हो 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, प्लस a का दूसरा को y कोऑर्डिनेट 1, और b का y कोऑर्डिनेट 0, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा रूट 2। यहाँ पे ऑप्शन क्या है देखो, a रूट 2, समझा स्टूडेंट। सो जनरली स्टूडेंट यहाँ पे बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो ए से एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और ऑब्वियसली वो गलत आंसर होगा। ऑप्शन ऐसा रहेगा एग्जाम में सीटी में, पर वो गलत होगा। आइए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइन 3x plus 4y is equal to 5, 5x plus 4y is equal to 4, and lambda 4x plus y is equal to 6 meet at the point S. Now student, a concept hai, concurrent line ka dekhiye. Suppose this is line number 1, hey, different color use karte, toh aapko samajh mein aayega, better aayega. This is line number 2. चलिए अभी कौन सा कलर ब्लू यूज कर लेते हैं, एंड दिस इज लाइन नंबर 3, ऑल आर मीटिंग एट वन पॉइंट। सो टेक्निकल लैंग्वेज ये होता है कि व्हेनेवर ऑल थ्री लाइंस आर मीटिंग एट वन पॉइंट, दोज लाइंस आर कॉल्ड व्हिच लाइंस, कॉनकरेंट लाइंस। व्हिच लाइंस? कॉनकरेंट लाइन। तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपने पढ़ा है 11th में, क्या फॉर्मूला देख, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री इक्वल टू जीरो, राइट। तब इसमें क्या हो जाएगा देखो स्टूडेंट, ए वन बी वन सी वन फॉर लाइन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा 3 4। हम क्या करते हैं 5 को इस तरफ ले लेते हैं लेफ्ट में, तो माइनस 5। और सेकंड, सेकंड मतलब ये वाला लाइन देखिए 5 4 4, तो लिखते हैं हम लोग 5 4 -4। थर्ड लाइन देखिए ये वाला लैम्डा 4 6, तो लिखेंगे हम लोग लैम्डा 4 -6। चलिए सॉल्व करते हैं, थ्राइस 4 into -6 -24 -4 into -4 -16 -4 5 5 into -6 -30 - λ into -4 -4 λ -minus plus. Then minus 5 5 into 420 - 4 into λ 4λ equal to 0. So here you are getting -24 plus 16 8 - 8 - 8 into 3 - 24. This will be +120 - 16λ. 5 into 20 - 100 + 20λ 0. Now 120 - 100, देखो ये रहा 120 - 100 कितना हो गया 20, है ना, 20 - 24 + 20 - 4, और -16 + 20 + 4λ = 0. 4λ = 4, so lambda is 4/4, which is 1. So option B, Bombay, right? Any next sir? Now the question is,
in what ratio the line divides the line joining the points 3 comma minus 1 and 8 comma 9. Suppose it is somewhat like this. Suppose this is A, 3 comma minus 1, and this is B, 8 comma 9. अब एक line है suppose, सब ऐसा कोई एक line है. ये line का equation है, y minus x plus 2 is equal to 0, ठीक है? Right? This line divides segment AB in two parts. Suppose this is point B. Okay? Right? Now, it divides such a way that AB is divided internally in a ratio, I can say K. Yaad hai, whenever ratio is not given, hum log K is 2, 1 lete hai, aapko yaad hoga. Theek hai na? Okay. Wait a minute. So here it is k is 2 1, तो मुझे p का coordinates find कर देगा, तो we can apply section formula student, तो p का coordinate आ जाएगा, क्या section formula mx2 plus nx1 upon m plus n and my2 plus ny1 upon n plus n, तो आप देख सकते हो student k into 8, 8k and 1 into 3, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 8k plus 3 upon k plus 1, यहाँ पे k into 9, 9k minus 1, minus 1 कैसे student, 1 into minus 1, minus 1 upon k plus 1, यह किसका coordinate आ गया student, p का, but student p lies on a, we agree, but p lies on this line also, y minus x plus 2 is equal to 0, तो इसका मतलब, P का कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, राइट? तो P का y कोऑर्डिनेट कितना है देखो, 9k minus 1 upon k plus 1, हमने इस y की जगह लिखा, ब्रैकेट माइनस साइन इस में, माइनस, x के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, 8k plus 3 upon k plus 1, plus 2 equal to 0, तो ये क्या हो जाएगा देखो, 9k minus 1 minus 8k minus 3, denominator same है ना, k plus 1 is equal to 2 को उस तरफ ले लिया हमने, minus 2, तो 9k minus 8k k minus 1 minus 3 minus 4 is equal to, multiply करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस टू के माइनस टू, अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, के प्लस टू के इज इक्वल टू माइनस फोर, वहां पे गए तो फोर माइनस टू, तो थ्री के इज इक्वल टू टू, तो के इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री, राइट? चलिए यहाँ पे देखिए डिस्कशन कर लेते हैं, रेशियो क्या है, के इज टू वन, के का वैल्यू कितना आ गया, this is 2, ऐसा something, 2 upon 3, तो k is 2 upon 3 is 2 1, which is same as 2 is 2 3, तो ratio क्या है, 2 is 2 3, option में देखो किधर option, c, 2 is 2 3, ठीक है, next, if lines are concurrent, what is the value of b,
अब स्टूडेंट सेम पैटर्न क्या हो जाएगा, 4, 3, -1। पर इक्वेशंस थोड़े से एबरेट है, तो यहाँ पे इक्वेशन को ध्यान देना पड़ेगा, डायरेक्टली मत लिख देना। ये क्या हो जाएगा, सोचो ये इक्वेशन x - y + 5 = 0, राइट। ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 = 5। अच्छा ये क्या हो जाएगा, देखिए पहले जान के पर्पस दी हुआ, पोजीशनिंग चेंज की हुई है, 5y + bx, तो b फिर 5 और फिर -3, ध्यान रखो b फिर 5 फिर -3 और ये है 1 - 1 + 5, ठीक है। सॉल्व कर लेते पड़ा 4, तो ये हो जाएगा -1 - -3 - 25। This is -3 - 5b - 1 - 5 - b = 0, 3 - 25 - 22, 22 होता है, right? -22 × 4 - 88, This is +9 + 15b - 5 + b = 0, ठीक है। Now, so it will be -b, ठीक है। तो this is -88, तो this is 9 - 5 = 4 - 15 - 1 = 14, this is 14b = 0, so 14b = 84. So b is equal to 84 upon 14, right? 2, 7 times, 2, 4, 8, 2, 2, so 7 1 time and 7 6 times, right? Answer is C. So the student, now like, subscribe and share my channel, okay?